close till I get up. Time is barely on our side. Hey everyone, hello and welcome to Get Peppy with me. आज का वीडियो is only on high request from you guys. क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आप देखना चाहते हो लाइट वेट ज्वेलरी फ्रॉम मालाबार, इसलिए मैं गई थी मालाबार और वहां पर मैंने देखे हैं लाइट वेट चेन्स विच आर परफेक्ट फॉर पार्टी वेयर. वैसे रेगुलरली भी चेन्स होते हैं विच आर इन द मेकिंग ऑफ 22 कैरेट, पर अगर आपको हटके चेन्स पसंद है एंड मंगलसूत्र, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किपिंग. सो स्टे कनेक्टेड फॉर द कंप्लीट वीडियो, जहां पर मैं आपको बता रही हूँ बीडेड chains and also mangalsutra in Malabar. ये रही सभी beaded long chain which are just so beautiful and mesmerizing. अगर आपको ऐसे ही simple वाले chains पहनना पसंद नहीं है and you like beaded chain with precious stones, semi-precious stones, then you can explore this at Malabar Gold and Diamond. And these pieces that I'm showing, इसमें ज़्यादातर मोतियों का work है, semi-precious stones है या फिर precious stones है, because of which बहुत charming लगता है. थोड़े उसमें pendants भी है, जैसे मैं आपको screen में बता रही हूँ. इस तरीके के वर्क भी देखने को मिल जाएंगे आपको एट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड. इन सभी में मुझे ये वाला सिंपल पर्ल का जो माला है बहुत अच्छा लगा. वन लेयर का है, वेट ऑफ दिस इज 10 ग्राम्स एंड 100 मिलीग्राम एंड द प्राइस ऑफ दिस इज 1,12,000 रुपीज. 22 कैरेट प्योर गोल्ड के मेकिंग में है ये वाला चेन विच इज प्योर BIS हॉलमार्क. आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स सेकेंड बीडेड गोल्ड नेकलेस. इसमें आपको 3 लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, व्हाइट गोल्ड एंड येलो गोल्ड एंड रोज गोल्ड का कॉम्बिनेशन है बॉल्स में. बहुत ही खूबसूरत सा वर्क है, प्योर 22 कैरेट गोल्ड के मेकिंग में है ये वाला पीस. अगर मैं आपको इसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस बता दूँ तो इसका बॉटम का थिकनेस है 0.637 ऑफ द बॉल एंड टॉप का थिकनेस है 0.274 सेंटीमीटर्स. नेकलेस का लेंथ है 45.72 सेंटीमीटर्स. टोटल वेट ऑफ दिस पीस इज 28 ग्राम्स एंड 74 मिलीग्राम्स एंड प्योरिटी इज 22 कैरेट प्योर गोल्ड. प्राइस है 2,105 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली विच इज इंक्लूडिंग ऑल द चार्जेस. आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स अनदर चेन्स. ये वाले चेन्स भी बहुत खूबसूरत है, नीचे पेंडेंट देखने को मिल रहे हैं विथ नाइस पर्ल वर्क. अगर आपको बीडेड चेन्स चाहिए तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ. प्राइस इनका अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के अंदर ही पड़ेगा एंड यू कैन प्लान फॉर दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी इजीली. यू कैन ऑल्सो कस्टम क्रिएटेड. आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स मंगलसूत्र. वैसे आपने मंगलसूत्र देखे होंगे दूसरे वाले जिसमें पेंडेंट्स होते हैं एंड हार्ट शेप होते हैं, पर दीज वंस आर वेरी डिफरेंट एंड कंटेम्प्रेरी. पर्ल वर्क देखने को मिल रहा है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं, बीडेड थ्रेड्स है ब्लैक कलर के एंड हैंगिंग्स भी है. तो मुझे ये वाले पीसेस बहुत कंटेम्प्रेरी लगे और बहुत हटके भी लगे. एंड द वेट ऑफ दिस इज बिटवीन 10 ग्राम्स टू 12 ग्राम्स एंड 50,000 to 70,000 के बजट के अंदर आपको ये वाले मंगलसूत्र मिल जाएंगे एट मालाबार. तो आगे बढ़ के मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको गोल्ड स्कीम ऑफ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, जहां पर आप इजीली प्लान कर सकते हो कोई भी ज्वेलरी विद एनी क्वेश्चंस, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो भी मैं आंसर करूंगी वीडियो के दौरान. सो वीडियो को स्किप मत कीजिए और अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए. वैसे इजी लैंग्वेज में यहाँ पर आपको मिल रहा है डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो स्पेसिफिक अमाउंट फॉर 11 मंथ्स. तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ इन डिटेल. अकॉर्डिंग टू द स्कीम, अगर आप इन्वेस्ट करोगे 1,000 रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ्स मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि अगर आप 11 महीने यहाँ पर पैसे जमा करोगे तो 11,000 रुपीज सीधा सीधा जमा हो जाएंगे मालाबार में इन टोटल. सो अगर हम लोग ये एग्जाम्पल के साथ जा रहे हैं और आपने 11,000 रुपये यहाँ पर जमा कर दिए हैं और उस टाइम का समझिए 24 कैरेट गोल्ड का प्योरिटी का रेट है अराउंड 4,700 रुपीज पर ग्राम एट दिस गोल्ड रेट. तो समझिए 22 कैरेट के गोल्ड का प्योरिटी का जो आपको जो भी ऑर्नमेंट है आपको मिल रहा है 4,700 रुपीज पर ग्राम. तो इसे में आपको मिलेगा मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट. दिस इज द स्कीम फ्रॉम मालाबार. सो इट इज टोटल कमिटेड अमाउंट बाय प्रिवेलिंग गोल्ड रेट इज इक्वल्स टू टोटल एलिजिबल क्वालिटी ऑफ गोल्ड. पर इसमें थोड़े कंडीशंस है, जैसे आप देख सकते हो मेकिंग चार्जेस आर कवर्ड अप टू 18% ऑफ द परचेस ऑफ ऑर्नमेंट्स अप टू 2.34 ग्राम्स. यानी कि अगर आप 1,000 रुपये 11 महीने जमा करोगे, 11,000 रुपये जमा हो गए हैं और 11,000 रुपये का समझिए आप कोई भी ऑर्नमेंट खरीद रहे हो तो वो ऑर्नमेंट ही कवर होगा फॉर दिस डिस्काउंट ऑफ मेकिंग चार्ज.
तो उसके सिवा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जमा कर लोगे, तो फॉर एग्जाम्पल समझिए अगर आप 1,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए जमा कर रहे हो, तो 11 महीने में आप जमा कर लोगे 22,000, पर आपके 22,000 ये स्कीम में नहीं आएंगे, सिर्फ 11,000 रुपीज में ही आपको डिस्काउंट मिलेगा मेकिंग चार्जेस में एज पर दिस स्कीम। एंड फॉर एनी ऑर्नमेंट्स ऑफ हायर वेट, उससे ऊपर जो 10,000 रुपीज का आपने पैसे जमा किया है, मेकिंग चार्जेस बेनिफिट विल अप्लाई अप टू 2.34 grams, एंड द एक्सेस वेट विल कैरी यूजुअल मेकिंग चार्जेस कैलकुलेटेड अपॉन द प्रिवेलिंग गोल्ड रेट। ये है स्कीम। तो इसका मतलब सीधा सीधा अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो 1,000 रुपीज एवरी मंथ, आप 11 मंथ्स जमा कर रहे हो, 11 मंथ्स के एंड में जब आप गोल्ड खरीदोगे एट द रेट ऑफ 4,700 रुपीज, आपको मिल रहा है डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस ओनली फॉर दैट 11,000 रुपीज। अगर आप 11,000 रुपीज से ज़्यादा कुछ जमा कर लेते हो, आपको ये मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो सीधा सीधा आपको मिल रहा है प्रॉफिट ऑन 2.34 grams ऑफ गोल्ड, जहाँ पर आप पैसे बचा रहे हो मेकिंग चार्जेस। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं पेमेंट कैसे करूंगी, आप पेमेंट कर सकते हो जीपे से, आप पेमेंट कर सकते हो फोन पे से या पेटीएम से इन दिस स्कीम। कैन आई डिसकंटिन्यू द प्लान आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, क्या आप ये स्कीम से निकल सकते हो 11 महीने होने के बाद? जी हाँ, जरूर आप ये प्लान से निकल सकते हो। कैन आई परचेज गोल्ड कॉइन्स अंडर दिस प्लान, क्या आप गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हो इसकी स्कीम के अंदर? जी जरूर आप खरीद सकते हो, एक्सेप्ट फॉर वेडिंग एडवांस प्लान आप इसमें कवर नहीं होगा, पर उसके सिवा ये स्कीम में आप गोल्ड कॉइन्स भी खरीद सकते हो। कैन आई परचेज एनी प्रोडक्ट ऑफ एनी माई चॉइस अंडर दिस प्लान, हाँ आप जरूर खरीद सकते हो, जैसे अनकट डायमंड्स है, डायमंड है, जेमस्टोन डायमंड है, सभी चीजें इस स्कीम में कवर होती हैं। विल देयर बी जीएसटी? जी जरूर, जीएसटी जरूर अप्लाई होगा इसमें, एंड रेगुलर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होगा। क्या कैश रिफंड होगा? नहीं, कैश रिफंड नहीं होगा, उसकी इक्विवेलेंट जो भी आपको गोल्ड मिलेगा ग्राम के हिसाब से, बस वही आपको मिलेगा एज पर द स्कीम। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मालाबार गोल्ड हमको प्रॉमिस करता है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, अश्योर्ड लाइफ टाइम, फ्री मेंटेनेंस, यानी कि अगर आप स्टोन का कुछ ले रहे हैं तो ये लोग आपको सर्विस करके दे देंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लाइफ टाइम, जीरो डिडक्शन गोल्ड एक्सचेंज, 100% BIS हॉल मार्क्ड गोल्ड, यानी कि प्योरिटी बहुत अच्छी है इनकी, टेस्टेड एंड सर्टिफाइड डायमंड्स, डायमंड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, गारंटीड बायबैक भी है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस पीपल आर गिविंग यू अ वेरी गुड स्कीम जहाँ पर आप पैसे बचा सकते हो ऑन मेकिंग चार्जेस, कॉम्प्लीमेंट्री ज्वेलरी इंश्योरेंस भी है, फेयर प्राइस पॉलिसी है, रिस्पॉन्सिबली सोर्स प्रोडक्ट एंड फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। You can invest in the golden scheme of Malabar, जहां पर आप wisely purchase कर सकते हो इस तरीके की jewelry, which is about 50,000, ताकि आप जब next purchase करोगे, आप बिना हिचकिचाहट के कोई भी jewelry purchase कर सकते हो from Malabar. अगर आपका question है कि Malabar is better और Tanishq is better, well it's up to you. आपको जो scheme अच्छा लगता है, आप उसमें invest कर सकते हो, पर मैंने आपको बता दिया है कि Tanishq में क्या advantage है and Malabar में क्या advantage है. So you can make your next purchase wisely. All right, दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. I hope you guys enjoyed watching this video. If you did, do not forget to like, share and subscribe. Until then, take care. Bye-bye.